जय हिंद साथियों, सेवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में नौवां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं आज्ञा और प्रार्थना के वाक्य, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। नीचे आज्ञा तथा प्रार्थना के कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये विध्यर्थक वाक्य अर्थात इम्परेटिव मूड के वाक्य कहलाते हैं। उक्त मूड में कोई टेंस नहीं लगाना पड़ता है, प्रायः क्रिया वर्ब के मूल रूप के साथ ही वाक्य रचना हो जाती है। इनका अभ्यास सरलता से किया जा सकता है। विध्यर्थक क्रियाएं इम्परेटिव मूड सेक्शन ही देखेंगे। सामने देखो, लुक अहेड, आगे बढ़ो, गो अहेड, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, अपना काम करो, माइंड योर ओन, वापस जाओ, गो बैक, उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम या हर। सुनिए तो, जस्ट लिसन, जल्दी आना, कम सून, मुझे देखने दो, लेट मी सी, तैयार रहना, बी रेडी, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, अवश्य आना, डू कम। और आगे देखेंगे, सेक्शन भी देखेंगे। उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हर हिम, मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, जाने दो, लेट इट बी, कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट, जरा रुको, रुकिए, होल्ड ऑन। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, फिक्र मत करो, डोंट वरी, सक्सेस ही देखेंगे। जरा फिर कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन, जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ बिट, आइए, प्लीज कम इन, बैठिए, प्लीज बी सीटेड, उत्तर दीजिए, प्लीज रिप्लाई, जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, फिर जरूर आइए, डू कम अगेन। अब सेक्शन डी देखेंगे। असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू बी द पॉइंट, पागल मत बनो, डोंट बी सिली, यह खुराक लो, टेक दिस डोज, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, कम विथ मी, काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, उचित समय पर प्रयास करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जगह खाली करो, वैकेट द प्लेस, ख्याल मत करो, नेवर माइंड, जुमान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स, इसे फैक्स कर दो, फैक्स इट। अगला सेक्शन देखेंगे ई, संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज कीप इट टच, अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल, यह पैकेट कुरियर से भेज दो, सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर, दिल खोल कर दान दें, डोनेट जनरस जनरल सी, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी, सावधानी से काम लो, प्लीज केयरफुल, बी केयरफुल, जरा हाथ लगाना, लेंड मी ए हैंड प्लीज, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद रखें, आपने देखा कि इच आर एम बाज बार हैज हैड बिल वुड सेल शुड कैन कुड मे डू डिड माइट आदि यदि वाक्य आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं और बीच में तो सब्जेक्ट के बाद आए तो साधारण वाक्य, जैसे कि
Am I a fool? I am not a fool. Where those your books? Those were your books. Can I walk for a while? You can walk for a while. May I come in? You may come in. Do और डूट का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है. नीचे दिए गए वाक्यों का ध्यान से पढ़ें. मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ. I get up early in the morning. मैं प्रातः जल्दी उठा. I got up early in the morning. अब इनके नकारात्मक वाक्य बनाइए. मैं प्रातः जल्दी नहीं उठता हूँ. I do not get up early in the morning. मैं प्रातः जल्दी नहीं उठा. I did not get up early in the morning. आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रमशः डू नॉट और डिड नॉट जोड़ना पड़ा. प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए यही डू और डिड सबसे पहले लगता है. जैसे क्या मैं जल्दी उठता हूँ. डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या मैं जल्दी उठा. डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. थैंक यू.